सूर्य देवता को नमस्कार करेंगे, वो भी 12 स्टेप में। बहुत ही सिंपल स्टेप्स है। योग में इसे आसन का राजा माना गया है, उसका नाम है सूर्य नमस्कार, क्योंकि इसके फायदे बहुत ज्यादा है और करने में इजी है। हमारे पूरे बॉडी के मसल स्ट्रांग होंगे ये करने के बाद। ऐसे मानो कि हमारे पूरे बॉडी में एनर्जी आ गई हो। अगर आपने दूसरा कोई आसन नहीं किया और छूट गया है, आप भूल गए या करते ही नहीं हो, आपको टाइम नहीं है, लेकिन सिर्फ रोज आधा घंटा आप सूर्य नमस्कार को दे सकते हैं। मेरा मतलब है दीजिए सूर्य नमस्कार को। आपने दूसरा आसन कोई भी नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन गाइस सूर्य नमस्कार करना मत भूलना। अगर हमने सही तरीके से और रोज किया तो हमें इसके फायदे मिलने ही मिलने हैं। सूर्य नमस्कार करने से आपका वेट लॉस भी होगा। अगर आप ये रोज करेंगे तो आप दिन भर खुश रहेंगे और आपकी लाइफ भी हैप्पी हैप्पी होगी। ओके गाइस, इसके फायदे में आपको इतना ही बताऊंगी कि बॉडी के हर एक पार्ट के लिए सूर्य नमस्कार बनाया गया है, बहुत अच्छा है। ओके तो चलिए गाइस, जिसे योग का राजा माना गया है और हमारी हेल्थ की ये एक टैबलेट है जिसे हमें रोज लेना है, उसे हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा कोई भी वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे वीडियोस के लिंक शेयर किए हैं, तो प्लीज जाके आप मेरे वीडियोस देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जब मैं नया वीडियो अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आप तक वो पहुंचे, आपको नोटिफिकेशन आए। ओके गाइस, हमेशा खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और सूर्य नमस्कार करते रहिए। दोनों एड़िया मिलाकर पंजों में अंतर रखिए। हाथों की नमस्कार मुद्रा करके हम सूर्य देवता को नमन करेंगे। मित्राय नमः। सूर्य नमस्कार में कुछ स्टेप फॉरवर्ड जाते हुए करने हैं, मतलब आगे जाते हुए करने हैं, और कुछ स्टेप रिवर्स यानी वापस आते हुए करने हैं। तो चलिए देखते हैं फॉरवर्ड स्टेप्स में क्या क्या करना है और रिवर्स में क्या क्या करना है। फर्स्ट हम देखेंगे फॉरवर्ड स्टेप्स। आसन पे सामने की तरफ आइए, धीरे धीरे सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ ले जाइए, धीरे धीरे पीछे की तरफ झुक जाइए। सांस को होल्ड ही रखना है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ झुक जाइए। दोनों हाथों के फिंगर्स जमीन को लगाने का ट्राई करें, अपना माथा घुटने को लगाने का ट्राई करें। फर्स्ट हम राइट लेग पीछे ले जाएंगे और लेफ्ट लेग दोनों हाथों के बीच में रखेंगे। इस पोजीशन में आप अपनी मर्जी से कौन सा भी लेग दोनों हाथों के बीच में और पीछे ले जा सकते हैं। अगर आपने फॉरवर्ड जाते समय राइट लेग पीछे लिया और लेफ्ट लेग दोनों हाथों के बीच में रखा, तो रिवर्स आते समय हमें राइट लेग दोनों हाथों के बीच में रखना है और लेफ्ट लेग पीछे ले जाना है। बिल्कुल फॉरवर्ड से रिवर्स अपोजिट होगा। धीरे धीरे सांस भरते हुए अपने गर्दन को ऊपर उठाइए, राइट लेग का घुटना जमीन को टच हो। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे लेफ्ट लेग भी पीछे की तरफ ले जाइए। दोनों पैर नजदीक लाइए और इस तरह से पर्वतासन स्थिति बनाइए। अब हमें दोनों पैरों को पीछे ले जाके कमर को नीचे लाना है और हमारी नजर सामने की तरफ होगी। ये स्टेप अगली स्टेप में जाने के लिए है। अब धीरे धीरे दोनों घुटनों को नीचे रखिए, कमर को नीचे रखिए, अपने माथे को जमीन को लगाइए। इसमें हम धरती माता को नमन करते हैं और अपने हाथों पे प्रेशर देके कमर को थोड़ा सा ऊपर उठाइए। इस पोजीशन में घुटने, छाती, माथा, दोनों हाथ, दोनों पंजे जमीन पे लगे हो, सिर्फ कमर को ऊपर उठाना है। अब धीरे धीरे कमर को नीचे रखिए, दोनों हाथों पे प्रेशर देके सांस भरते हुए छाती को ऊपर उठाइए। इस पोजीशन को भुजंगासन बोलते हैं। इसके बाद हम रिवर्स स्टेप करेंगे, आइए मेरे साथ।
अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने घुटनों पे आ जाइए। दोनों पैरों को स्ट्रेट करके नजदीक लाइए। फिर से एक बार हम पर्वतासन स्थिति में आएंगे। देखिए, यहाँ से हम रिवर्स जा रहे हैं। ऐसे ही हमने फॉरवर्ड में किया है पर्वतासन। फर्स्ट हमने राइट लेग को पीछे लिया था और लेफ्ट लेग को दोनों हाथों के बीच में रखा था। इस रिवर्स कंडीशन में हम राइट लेग को दोनों हाथों के बीच में रखेंगे और लेफ्ट को पीछे की तरफ ले जाएंगे। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर की तरफ देखिए, सांस को होल्ड कीजिए। लेफ्ट लेग का घुटना जमीन पे लगा हो, अपने कैपेसिटी के अनुसार रुकना है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए लेफ्ट लेग को सामने की तरफ, मतलब राइट लेग के पास ले आइए। इस तरह से अपना माथा घुटने को लगाने का ट्राई करें। अब नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हुए दोनों हाथों को अपने शोल्डर के लाइन में लाइए, ऊपर की तरफ ले जाइए और नमस्कार मुद्रा करके सूर्य देवता को फिर से एक बार नमन करेंगे। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तब हमें ध्यान लगाने में सहायता मिलती है, पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव होती है और आगे का कोई भी काम करने के लिए हम एक्टिव होते हैं, ध्यान लगा पाते हैं। सांस लेते हुए पीछे झुककर सांस छोड़ते हुए जब हम आगे झुकते हैं तब पेट और पीठ की मसाज अच्छे से होती है, वहाँ पे जो फैट जमा है वो कम होता है। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, थायराइड ग्लैंड पे ज़्यादा प्रभाव आता है तो ये ऑर्गन हेल्दी रहने में मदद होती है। और जब हम नीचे झुकते हैं तब नीचे की तरफ ब्रेन की तरफ हार्ट की तरफ ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होता है तो ये ऑर्गन हेल्दी रहने में मदद होती है। और आईज और बालों की तरफ भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। नेक्स्ट स्टेप में लेग की स्ट्रेचिंग अच्छे से होती है, थाइस पे जो फैट जमा है वो कम होता है, बॉडी फ्लेक्सिबल होने में मदद होती है और सांस लेते हुए जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तब थायराइड ग्रंथि पे असर ज़्यादा होता है तो वो ग्रंथि एक्टिव होने में मदद होती है। इस स्टेप में भी नीचे झुकने की वजह से थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड एक्टिव होते हैं और हड्डियाँ मजबूत होती है और ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे बॉडी के सारे मसल्स पे स्ट्रेच आता है, स्ट्रेस आता है, इसकी वजह से मसल्स स्ट्रॉन्ग होने में मदद होती है। नेक्स्ट स्टेप में जब हम सांस भरकर शरीर को आगे लाते हुए आठ अंग जमीन को लगाते हैं, दो पंजे, दो घुटने, दो हथेली, फेफड़े एंड माथा, तब लंग्स की हेल्थ अच्छे रहने में मदद होती है, भुजाएं स्ट्रांग होती है और पेट पे ज़्यादा प्रभाव आता है। नेक्स्ट स्टेप है भुजंगासन। इस स्टेप में जब हम सांस भरकर चेस्ट को ऊपर उठाते हैं तब हमारी पीठ की मसाज होती है, रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, पेट पे ज़्यादा प्रभाव आता है, पेट का फैट कम होता है, पेट में जो ऑर्गन है वो हेल्दी होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, लंग्स की हेल्थ अच्छी रहने में मदद होती है। हम सांस लेते हुए छोड़ते हुए दोनों हाथ और पैरों को हिलाते हुए ये पूरी प्रोसेस करते हैं, पूरी स्टेप्स करते हैं, इसकी वजह से बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होता है तो बालों से लेके नाखून तक हमें फ़ायदा मिलता है, बालों से लेके नाखून तक हमें ब्लड मिलता है। तो सूर्य नमस्कार हमें पूरी तरह से हिला देता है। ओके, तो इसलिए इंटरनल प्लस एक्सटर्नल ऑर्गन की हेल्थ अच्छी रहती है, तो हमें हेल्दी रखने में सूर्य नमस्कार का बहुत बड़ा हाथ है। जिनको बीपी की प्रॉब्लम है उनको सूर्य नमस्कार स्लो करना है और ज़्यादा देर तक सांस को होल्ड नहीं करना है, बाकी के लोग कर सकते हैं। जिनका नया नया कोई ऑपरेशन हुआ है वो 7 to 8 months बाद डॉक्टर की सलाह से करें और प्रेग्नेंट लेडीज प्रेगनेंसी होने के बाद 7 to 8 months बाद ही डॉक्टर से सलाह से करें। ज़्यादा पानी पीकर वर्कआउट, योग और प्राणायाम नहीं करना है।
सूर्य नमस्कार होने के बाद मिनिमम 3 मिनट्स तो शवासन जरूर करना। शवासन मीन्स अपने आसन पे लेट जाना, बॉडी को रिलैक्स करना, बॉडी में जहाँ जहाँ भी स्ट्रेस आया है वो कम हो रहा है इसे फील करना। और कल मैं इससे अच्छा करूँगी और करूँगा और धीरे धीरे मेरी बॉडी हेल्दी हो रही है ऐसे सोचना। तो कोई भी वर्कआउट योग होने के बाद शवासन जरूर करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सूर्य नमस्कार, योग और प्राणायाम आप ठीक तरह से ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करके करेंगे और स्लोली करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। और लेडीज को पीरियड्स में सूर्य नमस्कार, वर्कआउट और प्राणायाम नहीं करना है।